हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 3.4, जिसमें प्रश्न दे रखे हैं, 6 सवाल हैं। उन 6 सवालों को हम आपको कराएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे पहला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, आपका 3.4 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। हमको क्या बताना है, ये कथन दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एक कथन को बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। इनको पढ़ेंगे और इनको पढ़ के देखेंगे। तो जो असत्य है मैं उसको यहाँ पे हल लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ए पहले ए को करेंगे। तो एक कथन को पढ़ेंगे, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो मैं बता दूं सभी आयत वर्ग होते हैं तो ये कथन कैसा हो जाएगा। चलिए आयत के बारे में आयत के बारे में मैं आपको बताऊं, ये आयत है और ये वर्ग है। तो इसमें आयत में होती है आमने सामने की भुजा बराबर, और वर्ग में कैसी होती है, चारों भुजा बराबर। ठीक है, कोण तो 90-90 के चारों होंगे, इसमें भी 90-90 के चारों कोण होंगे, लेकिन इसमें भुजा दो भुजा एक बराबर क्यों होंगी और दो भुजा एक बराबर क्यों होंगी। और इसमें जैसे कि मैं ये मान लूँ 4 और 4, 3 और 3, ठीक है, ऐसी होंगी। लेकिन इसमें जैसे ये 2 है तो ये 2 है, ये इसमें 4 भुजा बराबर होंगी। ठीक है, तो ये आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग में 4 भुजा बराबर। तो हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं, यानी ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर बी, बी की बात करें हम, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कह रहा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुण सभी में पाए जाते हैं। जैसे सम चतुर्भुज की बात करूं, सम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, सम चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर और विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब सम द्विभाजक होते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो समांतर चतुर्भुज में भी सभी भुजा यानी आपस में आमने सामने भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, कोण भी आमने सामने के बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे पे काटेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा सत्य। अब बात करें नंबर सी की। नंबर सी कथन क्या कह रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर और चारों कोण बराबर, और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, आयत में भी क्या भुजा बराबर होंगी लेकिन चारों कोण बराबर होंगे। तो ये कथन भी कहाँ तक, कहीं तक सत्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर बात करें डी की। तो डी कथन क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अभी हमने यहाँ पे देखा है कि सभी वर्ग, चलिए ये तो आया था, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, ये कह रहा है नहीं होते, लेकिन हमको पता है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर, आमने सामने की मानो तो आमने सामने की, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। ठीक है, तो नंबर डी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने नहीं लिखा है, और ऐसे होता चतुर्भुज होते हैं तो हम यहाँ पे सत्य लिख लेते। ठीक है, अब बात करें नंबर ई कथन की। ई कथन की, ई कथन क्या कह रहा है, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे, पतंग का चतुर्भुज आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, ये पतंग है, सम चतुर्भुज होती हैं। सम चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, सम चतुर्भुज ऐसा होता है। ठीक है, पतंग में क्या है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है,
लेकिन सम में क्या होता है, सम चतुर्भुज में, इसमें चारों भुजा कैसी होती है, बराबर। तो ये तो यही गलत हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, नंबर बात करें एफ, एफ कथन की। एफ कथन क्या कह रहा है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा सत्य। मैंने अभी आपको बताया पतंग सम चतुर्भुज नहीं होंगी, लेकिन सम चतुर्भुज पतंग हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करें जी की। जी कथन क्या कह रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये कथन कैसा हो जाएगा, सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, समांतर चतुर्भुज किस इस प्रकार का होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, समलंब ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ से लंब डाल दूं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, अगर मैं इसमें भी एक लंब डाल दूं तो ये भी एक कैसा है, समलंब चतुर्भुज बन गया। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य। ये कथन भी कैसा हो जाएगा, सत्य। नंबर बात करें एच की, तो देखिए एच क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ठीक है, ये कथन भी कैसा होगा, सत्य। मैं आपको बता दूं, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। ठीक है, समलंब अब कैसे होंगे, मैं इस भुजा को आगे और इसको ऐसे मिला दूं तो ये कैसा बन जाएगा, समलंब बन जाएगा। तो इसीलिए कथन कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर दो प्रश्न की। तो देखिए बच्चों, नंबर दो सवाल क्या कह रहा है, 3.4 प्रश्नावली का, कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, ये सवाल कह रहा है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, बी सवाल कह रहा है चार समकोण हों। ठीक है, तो इसे हम करेंगे, ये कह रहा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, तो चारों भुजाएं चारों भुजा बराबर की, यानी एक तो वर्ग में होंगी चारों भुजा बराबर, और मैंने अभी बताया था पहले सम चतुर्भुज की भी होंगी। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक तो वर्ग, इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग और सम सम चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग में होंगी और सम चतुर्भुज में होंगी। बी सवाल कह रहा है कि चार समकोण हो, चार समकोण तो हमने पढ़ा है आयत और वर्ग में ही पढ़ा है, और किसी में नहीं होते, औरों में तो सिर्फ समकोण आमने सामने ही कोण बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग और आयत में चारों कोण 90 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत और वर्ग। ठीक है, आयत में भी 90 डिग्री के कोण होते हैं, वर्ग में भी 90 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल नंबर तीन। तो देखिए बच्चों, नंबर तीन सवाल क्या कह रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, एक आयत है, क्या बताना है हमको, वर्ग। ठीक है, वर्ग में ये बताना है कि ये सभी नियम लागू हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम उत्तर, उत्तर नंबर एक, एक की बात करें, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, तो वर्ग एक चतुर्भुज है ये तो हमको भी पता है, कैसे है, तो एक चतुर्भुज इसलिए है कि वर्ग में चार भुजा होती है, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसीलिए एक चतुर्भुज है। नंबर दो की बात करें, एक समांतर चतुर्भुज कैसे हैं, तो समांतर चतुर्भुज की हमको पता है कि आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में, वर्ग में
सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसीलिए एक समांतर चतुर्भुज है। आप इन्हें लिख लीजिए कॉपी में अपनी में पेयर में। नंबर 3 सवाल क्या कह रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के बारे में हमको पता है उसकी चारों भुजा कैसी होती है समान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसीलिए एक समचतुर्भुज है। नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक आयत। अब आयत के बारे में हमको पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हमने सम्मुख ले ली है। कोण पता है 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में भी 90 के होती है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वर्ग में कोण, यानी कि वर्ग में कोण, चलिए यहाँ से वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए एक आयत है। ठीक है, ये आपका नंबर 3 सवाल हो गया। अब बात करेंगे नंबर 4 सवाल की। तो देखिए बच्चों, नंबर 4 सवाल आपका ये है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, नंबर 1 सवाल, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, यानी कि समद्विभाजित का मतलब है आधा आधा करते हों। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया, कुछ आकृति ले ली यहाँ पे, जैसे विकर्ण की बात हो रही है, तो एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि ये मुख्य पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 होनी, यानी आधा आधा बट जाना चाहिए, समान दो भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर 1 सवाल की, कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ऐसा कौन सा चतुर्भुज है। तो उत्तर देखिए नंबर 1 के, तो ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ही वीडियो में कि ऐसा एक तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज के साथ साथ सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज के साथ आयत होगा, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की यानी विकर्ण बराबर होते हैं, और वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग। जैसे समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज काट लिया है, तो यहाँ पे ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये विकर्ण मुख्य बिंदु यहाँ पे काट रहा है, तो ये जितना ये लंबाई का होगा उतना ही ये लंबाई का होगा, जितना ये लंबाई का होगा उतना ही ये लंबाई का होगा। सम चतुर्भुज की बात करूं, सम चतुर्भुज में ये बराबर मुख्य पॉइंट है, ये भी और ये बराबर ठीक है। आयत की बात करूं, आयत कुछ इस प्रकार का होता है, आयत में भी एक दूसरे को विकर्ण बराबर काटते हैं, और वर्ग में भी एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर 2 प्रश्न की। नंबर 2 क्या कह रहा है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो लंब समद्विभाजक तो सम चतुर्भुज और वर्ग में होंगे, सम चतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, मैंने बताया था ये वर्ग है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे ये क्या है, ये लंब डल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 90 के कोण बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज में भी
ये 90 90 के कोण बनाएंगे, ठीक है, यहाँ के चारों। तो बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। नंबर 3 पॉइंट क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हों। तो विकर्ण बराबर किसमें होंगे, एक पहली बात वर्ग और आयत, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्यों नहीं होंगे। लेकिन देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का है, इसमें क्या है, एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण लंबा, तो इसमें बराबर नहीं होंगे, ठीक है। पतंगाकार में अगर डालें आप, तो पतंग में भी एक लंबा और एक छोटा विकर्ण होता है, ठीक है, तो सिर्फ वर्ग और आयत में विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर। ये आपका नंबर 4 सवाल हो गया। अब बात करते हैं नंबर 5 सवाल की। देखिए नंबर 5 सवाल क्या कह रहा है बच्चों, नंबर 5 सवाल कह रहा है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो मैंने बताया था कि उत्तल और अवतल के बारे में मैंने शुरुआत प्रश्नावली 3 में पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि उत्तल चतुर्भुज कौन से होते हैं, अवतल चतुर्भुज कौन से होते हैं। तो देखिए उत्तल चतुर्भुज वो होते हैं जिसमें विकर्ण डाले जा सकें, और अवतल चतुर्भुज वो होते हैं जिसमें विकर्ण नहीं डाले जा सकते, ठीक है। तो एक आयत है, यह एक क्या है, आयत है, तो इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें मैं विकर्ण डाल सकता हूँ, ये एक चतुर्भुज है इसमें विकर्ण डाल सकता हूँ। लेकिन मैंने एक और चतुर्भुज ले लिया कुछ इस प्रकार का, ये चतुर्भुज ले लिया मैं, इसमें विकर्ण नहीं डाल सकता, किधर कहीं से भी विकर्ण नहीं डाल सकता, यानी कि जिसमें विकर्ण नहीं डले वो कैसा होगा, अवतल, और जिसमें विकर्ण डल जाए वो कैसा होगा, उत्तल चतुर्भुज, ठीक है। यही मैंने आपको शुरुआत की प्रश्नावली में बताया था, प्रश्नावली 3 में, 3.1 में बताया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो उस वीडियो को जाकर देखे, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, या इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें क्या है बताइए, आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लिख देंगे कि आयत के, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण यानी कि एक विकर्ण दो विकर्ण, जिसके दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण लिखेंगे यहाँ पे, जिसके दोनों विकर्ण अभ्यंतर में यानी कि अंदर, अभ्यंतर में होते हैं, ठीक है, अभ्यंतर में होते हैं वो कैसा होगा, उत्तल चतुर्भुज होगा, वह उत्तल चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये नंबर 5 सवाल हो गया, इसमें कुछ खास नहीं था। नंबर 6 सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों नंबर 6 प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि जो ओ बिंदु है, ये वाला बिंदु, वो समकोण से मध्य बिंदु पर स्थित है, बताइए कैसे। ओ बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर है, यानी कि बी से भी समान दूरी पर, ए से भी समान दूरी पर, और सी से भी समान दूरी पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको दिखाई दे रहे होंगे दो त्रिभुज, एक तो ए बी ओ और बी ओ सी। तो हमको पहले दिखाई दे रहा है ए बी ओ, ए बी ओ बराबर, चलिए ए बी ओ और बी ओ सी, ये त्रिभुज हमको दिखाई, दो त्रिभुज हैं ए बी ओ और बी ओ सी। अभी हमको पता लगाना है कि बी से भी ओ बिंदु समान दूरी पर है, सी से भी ओ बिंदु समान दूरी पर है, ए से भी ओ बिंदु समान दूरी पर है, वो कैसे और कौन से नियम से है, तो हम पता करेंगे।
इसमें थोड़ा सर्वांग सम वाला नियम लेकर आएंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में देखते हैं तो ए बी ओ समकोण त्रिभुज है, तो ए बी भुजा बराबर होगी बी सी के, ए बी भुजा बराबर होगी बी सी के, ये वाली भुजा बराबर हो गई इसके, और ए ओ भुजा बराबर होगी सी ओ के, सी ओ के, ठीक है, यानी कि ये भुजा बराबर हो गई इसके, और जो बी ओ है ना, बी ओ एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी से, कौन से नियम से, एस एस एस, इस एस एस का मतलब है भुजा भुजा भुजा, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा है ही उभयनिष्ठ, ठीक है। तब समकोण हम लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज आपस में दो, एक समकोण में दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, तो इसके ही विपरीत हम एक अपने मन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया। तो जैसे हमने ये किया है ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब कोण ए कोण बी बराबर कोण सी होगा, ठीक है, कोण बी बराबर कोण सी होगा, तो सॉरी कोण ए बी सी ये डी ए, तो यहाँ पे कोण डी, और कोण सी बराबर कोण ए, ठीक है, जब कोण बराबर हो गए, ये भुजा बराबर हो गई, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि यहाँ से देखिए ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी, ठीक है, जब समांतर भुजा बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के आपने पढ़ा होगा कि विकर्ण एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि बी से यहाँ कितनी दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, बराबर। तो बिंदु ओ, बिंदु ओ ए बी सी, यानी कि विकर्ण बी डी और ए सी के मध्य बराबर है, ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 6 सवाल, ये प्रश्नावली खत्म हो गई। हम लेकर आएंगे आपकी अगली वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 4, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।